यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करके आईएएस अफसर बनने वाले श्रेष्ठ अनुपम के बारे में बताएंगे, जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद पिता का सपना पूरा करने के लिए यूपीएससी का रुख किया था। कड़ी मेहनत और बेहतर रणनीति की बदौलत उन्होंने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल कर ली। इस तरह श्रेष्ठ अनुपम केमिकल इंजीनियरिंग से सिविल सर्वेंट बन गए। उनकी कहानी जानकर आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की यह वीडियो। श्रेष्ठ अनुपम मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके परिवार की पढ़ाई लिखाई हमेशा बेहतर रही और पिता ने कई दशक पहले मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की थी। चार प्रयास करने के बावजूद अनुपम के पिता आईएएस अफसर नहीं बन पाए। इसकी कसक उन्हें लंबे समय तक रही। जब श्रेष्ठ अनुपम ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की तो उनके पेरेंट्स ने यूपीएससी में जाने की सलाह दी। श्रेष्ठ ने माता पिता के सपने के लिए यूपीएससी की तैयारी की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल कर ली। श्रेष्ठ अनुपम पढ़ाई में हमेशा से होशियार रहे। 12वीं में उनके पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनकी लगन और मेहनत को देखकर उनके माता पिता की आंखों में सालों पुराना सपना वापस लौट आया और उन्होंने अनुपम के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 साल के अंदर अनुपम ने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर दिया। अनुपम का मानना है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। वे मानते हैं कि यह बेहतर रणनीति और कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। उनके मुताबिक आप सबसे पहले सिलेबस को देखें और उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल तैयार करें, फिर अपना शेड्यूल बनाकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और तैयारी का एनालिसिस भी करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।